बरनाला के एसएसपी दफ्तर बरनाला में पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के दिशा निर्देशों पर एसएसपी संदीप गोयल और पुलिस प्रशासन की तरफ से पंजाब पुलिस कर्मचारियों के 27 शहीदों की याद में बनाया गया स्मारक यादगारे शहादत पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की तरफ से किया गया। इस दौरान एसएसपी संदीप गोयल ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिला बरनाला के पंजाब पुलिस के 27 जवानों ने आतंकवाद के काले दौर के दौरान शहीदी का जाम दिया था, इसलिए उनके मन में इन शहीदों के प्रति कुछ करने की इच्छा थी, जिसके चलते उन्होंने पहले तो शहीदों के स्मारक बनाने के लिए अपने दफ्तर के आगे वाली जगह का चुनाव किया और इसे बनाने के लिए सारा मटेरियल राजस्थान से मंगवाया। राजस्थान के कारीगरों की तरफ से ही इस स्मारक को बाखूबी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्मारक में जल रही ज्योति शहीदों को हमेशा ही सजदा करती रहेगी। इस मौके पर डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि पंजाब की पुलिस ने देश की आन बान शान कायम रखने के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। पंजाब ने आतंकवाद को अपने तन पर झेला है। आतंकवाद के दौर में पंजाब पुलिस के आईपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल व होमगार्ड तक के 1800 जवान शहीद हुए। उन्होंने जिला पुलिस मुख्यालय परिसर में तैयार किए गए 27 पुलिस शहीदों के स्मारक का उद्घाटन किया। उनके साथ डीआईजी पटियाला रेंज विक्रमजीत सिंह दुग्गल, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बरनाला वीरेंद्र अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका, जिला पुलिस मुखी संदीप गोयल, एसपी राजवंत कौर, एसीपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बरनाला के डिप्टी कमिश्नर तेज प्रताप सिंह फूलका के पिता को आतंकवाद को खत्म करने के लिए निभाई गई भूमिका की सराहना की। वहीं इस मौके पर डीजीपी दिनकर गुप्ता को सम्मानित करने के लिए शहर की व्यापारिक संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं व धार्मिक संस्थाएं भी पहुंची, जिन्होंने ताम्र धातु से बने स्मृति चिन्ह भेंट किए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं जिक्र कीता तो एक बड़ा ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। एक साढ़े जिमें मैं दसिया कि पंजाब पुलिस ने बहुत वड्डी गिनती दे विच शहादत दित्तियां। कोई भी पुलिस फोर्स दुनिया में अजी नहीं है जिन्हें कि इस लेवल दियां शहादत दित्तियां। 1800 दे करीब साढ़े पुलिस अफसर, पुलिस जवान, एसपीओज, होमगार्ड, उन्होंने ये जड़ा एक अतवाद का टाइम सी उहदे विच इन्हें बहुत तादाद शहीदियां दित्तियां। उन्होंने लिए उन्हों की याद के लिए असी जो भी एक छोटा जि एक यादगार जो अज इतने बरनाला बनाई गई है वो मैं अज मैं इतने अपने फुल पेंट करन दा मौका मिलिया। सो वो जो भी असी करिए घट है। सो उन्हां शहीदां दे लई, उन्हां दे परिवारां लई, उन्हां दी जिहड़ी उन्हां दे याद दे विच जो भी असी कर सकिए वो कर। ये यादगारां बहुत ज़िलों में बनिया हुई हैं। साडा स्टेट पद्धर की जिहड़ी यादगार है वो जलंधर साडे पी ए पी हैडक्वाटर दे विच है, जिथे हर साल असी उत्थे एक स्टेट लैवल सारे हिंदुस्तान दे विच एक दिन पुलिस कमेमोरेशन डे हुंदा जिहड़ा 22 तरीक नूं। सो उसते अक्टूबर दे विच महीने दे विच उस असी याद करते हैं जिहड़े भी पुलिस अफसर किसी भी पुलिस फोर्स दे होण, चाहे केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स दे हन, उन्हां नूं याद किया जाता है। सो एवें दे होर भी ज़िलों के बने हुए हैं, लुधियाने विच भी है, सब सारी थावां ते काफ़ी थां। देखो एक जड़ा करोना महामारी सी, एक बहुत बहुत वड्डा प्रकोप सी, बहुत वड्डा पेंडेमिक सी, जिहदे विच बहुत नुकसान होया, जानी नुकसान होया, बहुत तकलीफा सारे विश्व भर के इशूज़ आए, अपने भी इत्थे आए। सो असी ये जड़ा महामारी सी उन्हूं एक ऑपरचुनिटी समझ के कि सानू लोक सेवा दे लई एक यह मौका मिले। मैनू याद है अमृतसर दे विच उत्थे हैड कॉन्सटेबल लोगों ने अपने घर लंगर ला के साडे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कीतियां, होर कीता बहुत कुछ। देखो पंजाब जिवें मैं कहा कि एक सरहदी सूबा है, साडी 550 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर है पाकिस्तान दे नाल। सो कोशिशां जिहड़ियां बाहर ताकतां बैठियां जिहड़ियां साडे नाल ईर्ष्या करदियां
हिंदुस्तान दे नाल जो प्रोग्रेस की है डिवेलपमेंट की है सो वो कोशिश उन्हां दी हमेशा रहिंदी है कि इत्थे वक्खवादी एक्टिविटियां मिलिटेंट एक्टिविटी वायलेंस टैररिस्ट एक्ट